हेलो गाइज, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्सचर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप यहां पर कोई भी एप्लीकेशन है आपके पास, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर स्नैपचैट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, इस जिसके ऊपर भी आप क्लिक करते हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन, गाइज ये हर एक एप्लीकेशन के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है, ऐप इज़ंट अवेलेबल ऐसा। तो ये क्यों दिखाई देता है, इसे कैसे फिक्स करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर इसे स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ऐप के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस कैसा होता है, कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एरर आ जाता है गाइस। तो आपको क्या करना होगा, अगर वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चल जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना होगा और ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स के अंदर जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको जिस भी एप्लीकेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ऐप इज़ंट अवेलेबल ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको चले जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद गाइस सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टॉप कर लेना है, इसे ओके कर लेना है और यहाँ पर आपको स्टोरेज में जाना होगा और यहाँ पर क्लियर कैच कर लेना है और क्लियर डेटा कर लेना है गाइस और ओके कर लेना है और इसके बाद बैक आ जाना है गाइस। कोई भी एप्लीकेशन है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ ये। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो भी एप्लीकेशन है इसे यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना होगा, अगर अपडेट आपको बता रहा है तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद गाइज आपका जो फ़ोन है एक मरतबा रिस्टार्ट कर लेना है गाइज। रिस्टार्ट करने के बाद गाइज एक मरतबा आपका जो भी एप्लीकेशन है जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आपको ओपन कर लेना है, ओपन करके देख लेना है गाइज, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हो दीजिए। थैंक यू वेरी मच।